हार नहीं मानना, हार नहीं मानना. एंड बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग ये समझते हैं चलते रहने का मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं भी मिल रहा तब भी उसको करते चले जाएं उसी तरीके से. ये नहीं है, मैं कह रहा हूं काम करो. आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे बिजनेस ही करना है, बिजनेस करो. लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, किसी अलग तरीके से करो, फिर किसी अलग तरीके से करो, फिर थोड़ा अलग तरीके से करो. बी फ्लेक्सिबल. देखो जिस भी चीज में इस दुनिया में लाइफ है वो फ्लेक्सिबल है. देखने में स्टिफ लगेगी लेकिन वो फ्लेक्सिबल है. पेड़ से लेकर के इंसान से लेकर के किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी पौधे को देख लो, कुछ भी देख लो, फ्लेक्सिबल है. यहां से वहां से वहां से जिसमें लाइफ नहीं है वो फ्लेक्सिबल नहीं है. बी फ्लेक्सिबल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है. यहां पर इमेजिन करो कि दो बाउल पड़े हुए हैं और दोनों के अंदर हम पानी को उबालते हैं अच्छे से 20 मिनट तक. पूरा खौलने लग जाता है पानी दोनों तरफ से. इधर ले जा करके हम एक आलू को डाल देते हैं पानी के अंदर और थोड़ी देर बाद बाहर निकालते हैं. क्या होगा? आलू जब गया था, नहीं गर्म तो होगा ही, गर्म पानी में गया तो गर्म हो जाएगा. बट साथ में क्या होगा कि जब आलू गया तब तक बहुत स्ट्रांग था. उसको आप ठंडे पानी में रखो तो स्ट्रांग है, मतलब पॉजिटिव सिचुएशंस में रखो जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वो चाहता है तो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल हार्ड है. जैसे ही ऐसी जगह पे गया जहां एडवर्स सिचुएशन है, जहां प्रॉब्लम्स है, वहां पर खत्म हो गया. उसको बाहर निकालो कचूमर बन जाएगा, उसका भरता बन जाएगा आलू का, बुरी हालत. ऐसे ही होगा, उसको बाहर निकालोगे. दूसरी तरफ एक तरफ पानी खोल रहा है उसमें ले जा करके आप एक चम्मच चीनी को डाल दो, क्या होगा? और उसके 10 मिनट बाद आप चीनी को निकालने की कोशिश करो. नहीं, चीनी ने क्या किया, उस खराब सिचुएशन में आलू गया स्ट्रांग गया और वीक बन के बाहर आ गया. चीनी ने क्या किया, एक खराब सिचुएशन में अंदर गई, चाहे अच्छी सिचुएशन में गई, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया. आप सक्सेस में डालो चाहे फेलियर में डालो, दोनों को सक्सेस बना देगी. पानी में से आप चीनी को निकाल नहीं सकते, फिर वो पानी नहीं रहा, वो चाशनी बन गया, वो चीनी ही बन गया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया. तो बनना है तो ऐसे बनो. यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. सिंपल, याद रखिए. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है? वांट, मुझे चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए. चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए. किसको नहीं चाहिए? तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो. दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल का पेड़, मैं सेब आएगा, मैं सेब खाऊंगा. विजुलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली एप्पल को, सेब आएगा, हाँ मीठा होगा, लाल होगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, पेड़ लगेगा, मेरे बच्चे वहां ऊपर खेल रहे होंगे, झूले झूले. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो क्या होगा? सब बेकार है, सब बेकार है. क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा. तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन. Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन. आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहर वो म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? मजाक होगा और क्या होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा. ये नहीं कि मुझे आज Whatever, या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, नहीं आने वाले. आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, नहीं आने वाले. गोल क्या होना चाहिए? आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना है. खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख, 10 लाख क्या, 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे. देखो, मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से. क्या था वो सवाल? क्यों? मैंने क्यों बोली? क्यों बोली कि क्यों सवाल करो?
रीजन पता चलता है काम करने का, सामने से आंसर मिलेंगे। Absolutely, let's give a big hand for this guy. जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो, तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप इस पर यहां आए, आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हुए हो और आपके यहां पर चार बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं। चार बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए मतलब पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़ देते, कान टूटे होते हैं ना उनके पहलवानों के, वैसे उस टाइप के यहां पे चार पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और आपको उनसे लड़ना है। ये आपका गोल है, गोल सेटिंग समझ आ रही है, गोल है इनका, गोल क्या है, उनसे लड़ना है आपको। क्या करोगे भाई? मैं तो वहां पे होगा, चेक करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछता ही नहीं है कोई, कर दिया गोल सेटिंग। उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस एनर्जी इन मोशन मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं? वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से, कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, लड़ना है या भागना है। अभी हमारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि चार लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग, क्यों लड़ेंगे उन सबको, पागल ही होगा जो जाएंगे है कि नहीं, कोई है आपको जो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के। अब दूसरी तरफ से देखो क्यों करना है, अब मैं आपको वजह देता हूं करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा को। आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, इमेजिन करो, आप बंद कर लो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे, और वो चार पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं, वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं। अब क्या करोगे? थोड़ा जोर से बोलना, एक थोड़ा और जोर से बोलो पीछे, इसने क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है, समझ गए? मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, वो इंजन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, या हम उसमें डब्बों में बैठ कर खुश हो रहेंगे, वहां जाएंगे इंजन तो आती है, इंजन मकसद है, गोल नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बॉडी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, माइंड के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं अब माइंड के लिए क्या करता हूं, क्योंकि अगर माइंड ट्रैक पे होगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था, और इस बात को ध्यान से समझना कि हम लोगों का, इंसानों का सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है, सबसे बड़ा डर यह होता है कि हम, वी आर ऑल पावरफुल बियॉन्ड मेजर, मतलब हमारे अंदर, ये डीपेस्ट फियर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट फियर साइकोलॉजिकली। अगर आप अंदर 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 जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा डर हमारा ये है कि हमारे में इतनी पावर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि हम में से कोई भी एक इंसान यहां पर अगर वो चाहे तो पूरी पूरी दुनिया को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। वही डर हमको रोकता है आगे बढ़ने से, और उसकी वजह से हम इधर उधर अपने माइंड को भटका देते हैं। तो क्या करना है अपने माइंड के लिए? मैं क्या करता हूँ, वन इज आई मेडिटेट डेली, मेडिटेशन करता हूँ जिससे माइंड ट्रैक पे रहे। मेरे लिए नहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर टाइम नहीं होता तो नहाता नहीं, आज नहा के आया हूँ तो मैं नहाता नहीं हूँ, चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करता हूँ, चाहे 5 मिनट के लिए करूँ चाहे 2 घंटे के लिए करूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। 1, 2, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता जरूर हूँ एक दिन में, चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ूँ चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ूँ। अच्छे का मतलब न्यूज़पेपर नहीं है, ये आई थिंक यहाँ पे सबको पता होगा, अच्छे का मतलब टीवी पे महाभारत देखना नहीं है, अच्छे का मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे जो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो, जो मैल जम गया है माइंड के ऊपर, जैसे बॉडी के ऊपर मैल निकालते हैं ना रोज, वो जो मैल जम गया है थोड़ा सा, और जमता ही है सबके ऊपर,
मेरे अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक हो जाता है। कुछ थोड़ा सा बोल देता हूँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने लिए भी कर रहा हूँ ये चीज। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ या आपको एनर्जी दे रहा हूँ तो मेरी भी तो एनर्जी बढ़ रही है ना। अगर आपको खुशियां बांट रहा हूं किसी भी तरीके से या बांटने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी भी तो खुशी बढ़ रही है ना, मैं भी तो अंदर से पीसफुल होता जा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कुछ अच्छा हो सोसाइटी में तो मेरी भी तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना। सो दैट इज दीज आर दोस थ्री वेज, एक मेडिटेशन, दूसरा बुक्स, तीसरा कुछ अच्छी बातें करना। और अच्छी बातें सिर्फ यहां पे नहीं कि अगर मैं सेशन में आया हूं तो यहां पे अच्छी बातें करूंगा, अगर मैं ऑफिस में हूं वहां भी अच्छी बातें करूंगा, घर में हूं वहां पर भी अच्छी बातें करूंगा। बुरी बातें भी होती है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन नहीं है तो अच्छी बातें करो, उस एस्पेक्ट की पॉजिटिव साइड देखो। खत्म, सिंपल। याद है लास्ट लेक्चर के सेमिनार में मैंने क्या बोला था कि मैं नहीं मानता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्या करना चाहिए, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। यही तीन तीन रास्ते हैं जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज अंदर जाती, यही तीन रास्ते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। सोक्रेट्स का नाम सुना है सबने? ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम ग्रीक, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। एक बार उनके पास में एक आदमी आया और आकर के उसने बोला, बड़ा एक्साइटेड, जैसे हमारे साथ भी कई बार होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं आकर के अपनी कुछ बात बताने के लिए, बड़ा एक्साइटेड होकर के सोक्रेट्स के पास में आया, मैं आपको ना एक बात बताने वाला हूँ, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। सोक्रेट्स ने हंसते हुए उससे बोला, कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे तीन सवाल पूछने वाला हूँ, अगर उन तीन में से एक का भी जवाब हाँ हुआ तो मुझे बता देना, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात को आराम से बैठ कर के। पहली बात, पहला सवाल, क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में, जिसके बारे में भी तुम बताने वाले हो, क्या वो सच है? वो सोच में पड़ गया, कहता हाँ शायद, शायद सच है, शायद शायद नहीं। कहता अच्छा, मतलब सच नहीं है, शक है, और शक को सच नहीं बोल सकते, मतलब कि सच नहीं है। दूसरा, क्या जो तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में वो कुछ अच्छा है? कहता नहीं नहीं क्या बात कर रहे सर, बल्कि अच्छे का उल्टा है, कुछ बुरा है। अच्छा नहीं है, उल्टा है, उसका बुरा है, कुछ बुराई करने वाला, कुछ बुरा बताने वाला। बोलो कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन हट गए। तीसरे का भी अगर जवाब हाँ हुआ तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात आराम से बैठ करके। क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो यूजफुल है, क्या मेरे किसी काम की है? वो थोड़ा सोच के बोला, ऐसा नहीं। तो सॉक्रेट्स ने उस आदमी को देख करके आराम से स्माइल पास करी और हंसते हुए एक लाइन बोल करके वहां से चले गए। कहते क्यों सुनूं मैं तुम्हारी ऐसी बात जो ना तो सच है, ना वो अच्छी है, ना मेरे किसी काम की है, क्यों सुनूं भाई? मेरी लाइफ का फंडा क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरी लाइफ का सीक्रेट क्या है। मैं दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, कहीं भी कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पे काम करता रहता हूं, खुद को बदलता रहता हूं, खुद को ठीक करता रहता हूं। और मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूं, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में, एक वो जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं उसको मैं सुनता हूं और उस पर काम करके उसको बदल देता हूं। दूसरी वो जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे काम की नहीं है, उसको सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं। हर एक का अपना एक काम है जो उसको मिला हुआ है। हम क्या गलती करते हैं, हम जाकर के हजार चीजों में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आकर के कोई मेरे से पॉलिटिक्स की बातें करता, मैं नहीं करता, मुझे नॉलेज ही नहीं है। आप मेरे से आकर के नाम पूछोगे ना कि ये कौन है, मेरे को ये नहीं पता हमारे एरिया का एमएलए कौन है, आई सिंपली डोंट नो, मुझे नहीं पता किस कंट्री में क्या नई गॉसिप चल रही है, क्या नया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में। सारा फोकस यहां है, यहां नहीं, सिर्फ सर। अगर किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ हो, हर एक वो चीज जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होना चाहिए, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ और हर एक चीज है, अगर फिर भी वो खुश ना हो और वो अपने आप से क्वेश्चन करता है वो खुश क्यों नहीं है और उसे रीजन ना मिले, तो सर ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, यू नो।
बिकॉज आपने एक मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं पहाड़ और मैक्सिमम लोग यहाँ पर छोटी पे तो बहुत कम लोग होते हैं. आपने वो पूछा कि जो आदमी छोटी पे पहुंच गया और वो क्या करे आगे चढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं राइट. हाँ जो यहाँ पर है उनके क्वेश्चन होते हैं अच्छा मुझे यहाँ पहुंचना है मुझे वहां पहुंचना है मुझे यहाँ जाना है मुझे वहां जाना है मुझे वहां जाना है समझ आता है. बट ही इज आस्किंग समथिंग एल्स. ये पूछ रहा है कि यार जो बंदा अगर मैं कल को वहां पहुंच गया तो क्या बचेगा है ना. देखो मैं बताता हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता क्योंकि गोल सेटिंग जब पर्पस पे होती है तो आप वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते. समझ गए. जब गोल सेटिंग गोल पे होगी तो आप पहुंच जाओगे चीजों पे होगी तो आप पहुंच जाओगे और आप फिर आप खोखले हो जाओगे अंदर से. कोई भी इंसान देखो जब तक किसी के पास में पैसा नहीं होता ना ये बहुत सारी चीजें नहीं होती उसको लगता है कि हाँ बस यही सब कुछ है इसी में मजा है ये अगर आ जाए तो लाइफ बन जाए ये हो जाए वो हो जाए. जिस दिन आ जाती है ना जिंदगी झंडा है फिर भी कमंड है. ऐसे एक नहीं हजारों एग्जांपल आपको दे सकता हूं. आप भी अपने आस पास में जाकर के देखना जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही डरा हुआ होगा उतना ही घबराया हुआ होगा खुल के नहीं कर रहा होगा अपनी लाइफ को. जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब वो जिस तरीके से चीजों को करता था तब उसकी जो एनर्जी थी जो एंथुसियाज्म था जो जज्बा था चीजों को करने का क्या वो अभी होता है. नहीं होता. मतलब मर गया जीते जी मर गया. अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट्स के बीच में घिरा हुआ है चीजों के बीच में घिरा हुआ है और वो खुद एक चीज बन गया इंसान नहीं रहा. तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ भी अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है. आप कहते हो कि मेरी तो जिंदगी में कोई मकसद नहीं मैंने बहुत पूछा क्यों 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 मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं. आपकी जिंदगी के मकसद को ढूंढना ही आपकी जिंदगी का मकसद है. क्योंकि ना मुझे अब जा करके असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है. वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जैसे प्रॉपर्टी कार बैंक बैलेंस कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहें और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहें. ये नहीं है सक्सेस. ये सिर्फ एक ढोंग है दिखावा है और कुछ नहीं है. असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी हर चीज आप हंसते हंसते मर सको. वो है असली सक्सेस. दैट इज सक्सेस. थैंक्स.